दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक एचपी का समरसेबल पंप है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें तभी आप समझ पाएंगे कि समरसेबल पंप का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो कोई भी समरसेबल पंप हो उसको आपको पानी चेक करना बहुत जरूरी है। हालांकि किसी किसी समरसेबल पंप में ऑयल भी रहता है और किसी किसी समरसेबल पंप में वाटर रहता है। वो जो उसका जो अथी होता है वो इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। यदि ऑयल है तो उस पे ऑयल लिखा हुआ रहेगा और वाटर है तो उस पे वाटर लिखा हुआ रहेगा। वो चीज जरूर चेक कर लेंगे और यहाँ पर इसको में पानी जरूर डालेंगे। हालांकि ये जो पंप है ये पुराना पंप है और ये जो समरसेबल पंप है कहीं दूसरा जगह पर डाला हुआ था और कस्टमर का कहना ये था कि इसमें पानी डाला हुआ है। यदि उनको कहना हम मानते और इस पंप को यदि फिटिंग कर देते तो ये पंप जो है ये जल जाता, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी है ही नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक लीटर का बोतल है और इसको से हम पानी डाल रहे हैं और लगभग यहाँ पर इसको में 800 ml के आसपास पानी चला गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि एक बार भर जाता है तो ये जो पंप है इसको इस तरह से हिलाएंगे, उसके बाद दोबारा पानी भरेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इसको में एयर बन जाता है, जब पानी इसको में डाल रहे होते हैं तो उस टाइम एयर बन जाता है और भर जाता है, पता नहीं चलता है। तो यदि हिला के डालते हैं तो प्रॉपर पानी अटता है, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका जो लक होता है, स्क्रूप होता है, इसको में एक वाशर रहता है, ब्लैक कलर का वाशर मिलता है जो कि इसको में नहीं था। तो हम इसको में टेप्लोन के माध्यम से इस तरह से लपेटेंगे और इसको टाइट करेंगे ताकि लीकेज न करे इस तरह से। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे मित्र रंजन जी हैं जो कि काफी अच्छा वर्क करते हैं। और उसके बाद हम दोस्तों उसके बाद हम इस स्क्रूप को अच्छा तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस स्क्रूप को टाइट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको फिटिंग करने वाले हैं पंखी को, इसका जो पंखी है इसको फिटिंग करेंगे और उसके बाद ही इसको में हम वायर जो है इसको कनेक्ट करेंगे। फिर पंखी जो है इसको फिटिंग करने के लिए इसका जो घाट होता है, लॉक होता है, बिल्कुल सेम रखेंगे। उसके बाद ही इसको में इस तरह से पुश करेंगे। यदि सेम नहीं रहेगा तो पुश होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो समरसेबल का घाट होता है और समरसेबल पंखी जो है इसका घाट होता है बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी इसको में पुश होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बोल्ट है इसको कसा जा रहा है और इसको बारी बारी से टाइट करेंगे, एक तरफ टाइट नहीं करेंगे और हिसाब भर ही टाइट करेंगे। ज़्यादा यदि टाइट करेंगे तो ये फेल भी कर सकता है। और दोस्तों ये जो पंप है ये आशीर्वाद का है, कोई ब्रांड नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से इसका जो जाली है इसको फिटिंग करेंगे। और ख़ास करके यदि कहीं पर नया बोर है तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा सा समस्या आता है। रीजन क्या है कि दोस्तों क्या होता है कि बोर करवाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें समरसेबल पंप डाल देते हैं, काफ़ी समस्या आता है, जाम हो जाता है, बार बार आपको समरसेबल पंप को निकालना पड़ता है और जाम का समस्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जाली को फिटिंग किया है, उसके बाद उसको ऊपर और नीचे से टेपिंग कर दिया। दोस्तों क्या होता है कि जाली जब फिटिंग करते हैं ऊपर और नीचे काफी ज्यादा गैप बनता है, उसमें यदि बालू चला जाता है तो वो सबमर्सिबल पंप जो है वो जाम हो जाएगा। और दोस्तों यदि नया बोर है तो वहां पर उसमें जो क्या होता है कि हर जगह पर अवेलेबल हो जाता है जो 1.5 HP 2 HP का मोटर होता है, जो ऊपर का ही मोटर होता है उसको चलाना जरूरी है, या तो आप डीजल चला सकते हैं। मतलब नया बोर है तो उसको में 3 से 4 घंटा कम से कम रेगुलर चलाइए और उसको पानी को बिल्कुल फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद समरसेबल पंप डालिए, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगा। यदि नया बोर है और उसको में आप डायरेक्ट समरसेबल पंप को डालते हैं और उसको से साफ करते हैं तो आपको समस्या हो सकता है, समरसेबल पंप बार बार जाम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो मेन केबल है जो RYB है, इसका जो कलर है इसको बिल्कुल आपको परफेक्ट जोड़ना है, कलर चेंज नहीं करना है, कभी भी जोड़ना है ज्वाइंट जो करना है वो सेम कलर में जोड़ना है। और इसका जो ज्वाइंट का है सिस्टम जो है उस
तीनों ज्वाइंट दूरी पर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं हम इसको दोस्तों ज्वाइंट करने का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा से ज्वाइंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्वाइंट पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ज्वाइंट तीनों तार वायर को छीलते हैं और ज्वाइंट कर देते हैं, लेकिन कभी भी ज्वाइंट जो है वो आगे पीछे होना चाहिए, एक जगह तीनों ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। पहले उसको हम वायर का जो कवर है उसको हटा लेंगे, उसके बाद तीनों ज्वाइंट का जो है उसको दूरी निकाल लेंगे और तीनों ज्वाइंट जो है वो आगे पीछे कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर तीनों ज्वाइंट का अलग अलग कर ज्वाइंट कर रहे हैं, उसके बाद इसको ऊपर टेपिंग कर रहे हैं। और ये जो टेपिंग है ये वाटर प्रूफ टेपिंग होना चाहिए ताकि पानी इसमें लीकेज ना करे। दोस्तों यदि ज्वाइंट आप आगे पीछे जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यदि एक ही जगह तीनों ज्वाइंट जोड़ते हैं तो चाहे किसी तरह का इलेक्ट्रिक ज्वाइंट हो वो ज्वाइंट हीट होता ही होता है, चाहे आप उसको कैसे भी जोड़ लें। यदि ज्वाइंट हीट हो रहा है और तीनों ज्वाइंट एक जगह हो जाता है तो वहाँ पर भ्रष्ट करने का ज़्यादा चांस रहता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं तीनों जो ज्वाइंट है उसको यदि हम आगे पीछे रखते हैं वो हल्का हीट भी करता है तो कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक वायर यदि हीट करता है और दूसरा वायर जो है वो कवर है वहाँ पर, तो वहाँ पर लीकेज करने का चांस नहीं रहता है। और यदि तीनों ज्वाइंट है और तीनों ज्वाइंट सेम जगह है और तीनों हिट करता है तो वहां पर भ्रष्ट करने का ज्यादा चांस रहता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमने वाटर प्रूफ अच्छा से फिटिंग किया है, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप को फिटिंग किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ्टी वायर को बांधा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो सेफ्टी वायर हम इस तरह से बांध रहे हैं, यहाँ पर इसको ब्रह्म फांस बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत पंप में हॉल दिया हुआ रहता है, उस हॉल में भी बांधा जाता है, लेकिन उस हॉल से भी ये बेहतर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बांधा जा रहा है, बिल्कुल मजबूती से बांधा जा रहा है, ये जो बांधा गया है ये कभी फेल नहीं करने वाला है। उसके बाद इसका जो एक छोर है इसको लास्ट हिस्सा में टेपिंग करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से इसको बांध दिए हैं। उसके बाद हम इस पाइप को बारी बारी से फिटिंग करेंगे इस तरह से। इसको में कोई भी पाइप रिंच और कोई भी पाना का जरूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ से ही टाइट करना है, जितना टाइट होगा उतना टाइट करना है, इसमें कोई भी रिंच का लगाने का जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी तरह से हम फिटिंग करने वाले हैं। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद इस तरह से हम जो इसका वायर है, सेफ्टी वायर है और मेन लीड है, इसको हम टेपिंग करते जाएंगे इस तरह से। दोस्तों टेपिंग करने से फायदा यही है कि जो इसका वायर जो है ये बिल्कुल सेपरेट रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से समरसेबल पंप को बोर में डाला जा रहा है और ये जो सेफ्टी वायर और ये मेन लीड इसका है इसको हम टेपिंग करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हैंड पंप भी डालना है। तो यदि इसको हम वायर को टेपिंग नहीं करते हैं तो ये क्या होगा कि इसका जो वायर है वो अंदर में इधर उधर रहेगा और जब इसका 1.5 इंची हैंड पंप का इस पाइपिंग डालेंगे तो वहाँ पर दिक्कत कर सकता है। तो कभी भी इसको टेपिंग करते जाएंगे जो कि वो वायर जो है वो बिल्कुल सेफ्टी से रहेगा। आप देख सकते हैं जिस पाइप है उसी में फिक्स किया हुआ रहेगा, तो इस तरह से टेपिंग जरूर करेंगे। यानी एक पाइप जो है ये 10 फीट का लेंथ है, इसको मैं दो जगह टेपिंग कर देते हैं तो बिल्कुल अच्छा से हो जाता है सेफ्टी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बारी बारी से पाइप को डाला जा रहा है। यहाँ पर ये जो बोर है ये जो बोर है ये 80 फीट बोर है, इसको में हम 50 फीट पाइप समरसेबल जो पंप है इसको में हम 50 फीट डाल रहे हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं ये जो पाइपिंग है ये तीसरा पाइप है और दो पाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है, यानी 30 फीट ये जो पाइप है ये लेकर 30 फीट इसमें चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बारी बारी से इस तरह से वायर जो है इसको टिपिंग जरूर रखेंगे, नहीं तो दिक्कत आता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चौथा पाइप भी, पांचवा पाइप भी यहाँ पर इस तरह से हम टाइट कर रहे हैं। उसके बाद इसको भी फिटिंग करेंगे। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप देख सकते हैं इस तरह से हमने समरसेबल पंप को 50 फीट डाल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉल बल्ब है और एल्बो है, यहाँ पर इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं फिटिंग कर दिए, और कहीं पर फिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पाइपलाइन फिटिंग किया हुआ है, लेकिन इसको हम पहले चेक करेंगे क्या यह सही से चल रहा है, पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये जो बेल कवर है इसको में जो सेफ्टी वायर होता है और मेन लीड होता है उसको हम सेफ्टी जो बेल कवर होता है उसको एक हॉल दिया हुआ रहता है, उस हॉल में पार कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कनेक्ट करने वाले हैं जो समरसेबल पंप का वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। आर वाई बी, पहले आर होता है, फिर वाई होता है, फिर बी होता है, यानी पहले रेड, येलो और ब्लू, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद हम इसको में सप्लाई देंगे और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे क्या ये चल रहा है या न चल रहा है। उसके बाद इसको में एक मेरे हमको इसमें हैंड पंप का भी इसको में डालना है। दोस्तों ये जो बोर है ये 5 इंची बोर है, इसको में हैंड पंप का भी कनेक्शन देना है, तो उसका पाइपिंग भी फिटिंग करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चालू कर दिया है और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पानी उठा लिया है, पानी दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पानी दे रहा है ये बिल्कुल साफ है। साफ पानी देने का रीजन यही है कि ये जो बोर है इसको में लगातार 3 घंटा मोटर चलाया गया था, और उसके बाद इसको में हम कनेक्ट करने वाले हैं ये जो समरसेबल पंप से आउट कर रहा है। यहाँ पर जीआई एल्बो के पास हम एक लगाएंगे एमटीए, जो कि 1x1 का एमटीए होता है, उसको हम फिटिंग कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम कनेक्ट करने वाले हैं ये जो पाइपलाइन दिख रहा है इसको में कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यूनियन को लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब समरसेबल पंप में कोई समस्या आ जाता है तो वहां पर हमको यूनियन से खोलेंगे और बिल्कुल आसानी से उसको समस्या को बिल्कुल आसानी से पंप को निकाल सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप समरसेबल पंप का जो पाइपिंग है उसको में आप देख सकते हैं एक हैंडपम्प का भी पाइपिंग डाला गया है। दोस्तों हम उस पाइपिंग को हम नहीं दिखा सके, नहीं आपको बीच वीडियो के माध्यम से दिखा सके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उस साइड जो पाइप है वो हैंडपम्प का पाइप है, और इस साइड जो है ये समरसेबल का पाइप है। दोस्तों यूनियन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई समस्या आता है तो समरसेबल पंप निकालना है तो आप यूनियन की जगह से खोलकर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पहले यूनियन लगाएं, उसके बाद हम एक एल्बो लगाकर डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, और जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट दोनों फिटिंग में यानी दोनों जगह हम लगाएंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट रहे, लीकेज ना हो। आप देख सकते हैं उसके बाद उसका मेजरमेंट करेंगे, कटिंग करेंगे, उसके बाद इसको भी हम कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, फिटिंग किया जाता है। फिटिंग कहीं पर भी करे तो अच्छा तरह से करे ताकि सुंदर दिखे, अच्छा लगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्ट। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान रखें, कहीं पर आप पाइपलाइन फिटिंग कर रहे हैं तो उसका जो लाइनिंग होता है वो बिल्कुल सेंटर में रखें, यदि सेंटर में रखते हैं तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हम फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से यहाँ पर यूनियन को हम टाइट कर देंगे, बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिटिंग कर दिया है। उसके बाद हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो राइट साइड है ये टैंकी से, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फिटिंग कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में है ये टैंक से आउटलेट है, और लेफ्ट साइड में है ये डायरेक्ट मोटर का सप्लाई है। इस तरह से हमने दोनों पाइपिंग को फिटिंग कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पाइपिंग डायरेक्ट ऊपर टैंक में चला गया है।